अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सैयद वकार शाह काजमी और आप ने ट्यून किया है कैम्सकोप। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एस। उम्मीद है कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ब्रीफ किया था आपको एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स को। अगर नहीं किया तो नॉट टू वरी, हम दोबारा इसको यहाँ पर समराइज करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा और इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए और अपना अच्छा फीडबैक देंगे। रेप्लिकेशन प्रोसेस होता क्या है बेटा? रेप्लिकेशन प्रोसेस में डीएनए डुप्लीकेट करता है अपने आप को, यानी डबल हो जाता है डिवीजन से पहले। सेल डिवीजन से पहले आपका डीएनए दो कॉपीज बनाता है जो कि डॉटर डीएनए के अंदर जाती है। इसलिए ये जो प्रोसेस होता है इसमें डीएनए अपने आप को डबल कर लेता है, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस होता कैसे है? रेप्लिकेशन प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और जितने भी कुदरती प्रोसेस हैं बेटा वो होते ही कंटिन्यूस है, लेकिन साइंटिस्ट अपनी आसानी के लिए उन्हें फेजेस में या स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसीलिए हम इस प्रोसेस को भी तीन स्टेप्स में या फेजेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? पहला है इनिशिएशन, दूसरा है एक्सटेंशन और तीसरा है टर्मिनेशन। इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम स्टार्ट करें इनिशिएशन के अंदर, तो मेजर स्टेप इनिशिएशन के क्या होते हैं बेटा? बबल का बनना, दूसरा रेप्लिकेशन साइज क्या कितनी होती हैं, तीसरा हेलिकेज और गायरेज क्या करते हैं, और चौथा एसएसपी प्रोटीन्स का क्या काम होता है। अब सबसे पहले बेटे रेप्लिकेशन बबल क्या होता है? हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपका जो हेलिकेज एंजाइम थे, आपके जो हेलिकेज एंजाइम थे दो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते थे और उनकी ऑपोजिट मूवमेंट से यानी कि एक इस तरफ मूव कर रहा है और दूसरा इस तरफ मूव कर रहा है और इनके आगे गायरेज काम कर रहा है क्योंकि फैसिलिटेट कर रहा है अनवाइंडिंग को। अब ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है रेप्लिकेशन साइट के ऊपर, ये बबल नुमा होता है, इसकी शक्ल बबल से मिलती जुलती है और इसे हम कहते हैं आपका रेप्लिकेटिंग बबल। अगर आप यूकेरियोट्स में देखेंगे बेटा तो कई बबल्स नज़र आएंगे आपको डीएनए फ्रैगमेंट्स के ऊपर। आपको जो जो नज़र आएगा वो ऐसे नज़र आएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और सो ऑन, इस तरीके से ऐसे नज़र आएंगे, लेकिन प्रोकैरियोट्स के ऊपर एक ही बबल नज़र आएगा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है बेटा कि यूकेरियोट्स में रेप्लिकेशन साइट एक से ज़्यादा होती है, यानी कि मोर देन वन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही रेप्लिकेटिंग साइट होती है। दैट्स व्हाई आपको एक ही बबल नज़र आएगा और यहाँ पर आपको कई बबल नज़र आते हैं। इसके बाद बेटा आपका जो एसएसबी प्रोटीन्स, हमें मालूम है बेटा कि इनके अंदर जो फ्रैगमेंट्स होते हैं और ये जो आपके जो है फास्फोडाइस्टर जो है आपके बॉन्ड्स होते हैं, दे हैव कैपेसिटी, इनके अंदर मैग्नेटिक लाइक होती है, जैसे ओपन है तो चांस के दोबारा क्लोज हो सकते हैं। तो हमारे पास एसएसबी प्रोटीन्स होती हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो अटैच हो जाती हैं कहाँ पर? आपके फ्रैगमेंट्स पर, एंड दे नेवर अलाउ द टू फ्रैगमेंट्स टू मीट अगेन अंटिल द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीटेड। तो ये हमारा प्रोसेस है बेटा, ये समरी है किसकी? इनिशिएशन प्रोसेस की। अब दूसरा प्रोसेस जो स्टेप है वो आ जाता है बेटे एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन से पहले आपका डीएनए ओपन हो जाता है लाइक दिस, एंड दिस इज फॉर्म अ फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये फॉर्क बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेटिंग फॉर्क। रेप्लिकेटिंग फॉर्क जब डिवेलप हो जाता है तो हमारा इनिशिएशन भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रोसेस आ जाता है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन से सबसे पहले बेटे हमें मालूम है कि जो मेन एंजाइम है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो P3 था। P3 क्या करता है बेटे? हमें मालूम है एक्टिविटी ऑफ रेप्लिकेशन को कंप्लीट करता है, बट P3 ऑलवेज रिक्वायर अ प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम का क्या काम होता है? प्राइमेज एंजाइम बनाता है प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? आपका प्राइमर जो होता है ये आपका RNA न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, न्यूक्लियोटाइड, और ये आपकी जो RNA न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं इनकी जो ये टेंट, इसको इनको शॉर्ट फ्रेगमेंट कहते हैं,
शॉर्ट फ्रैगमेंट्स कहते हैं, और ये आपके बेटे 10 से 20 सेगमेंट होता है। अब आपके इनिशिएशन एक्टिविटी के लिए या आपकी और किसके लिए एक्सटेंशन के लिए, दोनों आपके फ्रैगमेंट्स के ऊपर यानी लीडिंग के ऊपर और लैगिंग के ऊपर वी नीड व्हाट प्राइमर, हमें प्राइमर चाहिए, यहाँ पर हमें प्राइमर चाहिए। तो दीज आर द, ये प्राइमर आके अटैच हो जाते हैं। अब जब आपके प्राइमर अटैच होते हैं तो आपको तो दो फ्रैगमेंट्स आपके आपके रिप्लिकेटिंग फोर्क के अलावा आपको नज़र आते हैं, एक है बेटा लीडिंग और एक को है आपका लैगिंग। लैगिंग स्ट्रैंड्स क्या होता है, इसमें आपको मालूम है इसमें जो रेप्लिकेशन होता है आपका, रेप्लिकेशन है ये क्या होता है, अवे फ्रॉम फोर्क होता है, अवे फ्रॉम फोर्क यानी इसकी डायरेक्शन अवे होती है, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे इस डायरेक्शन पर होगी। जबकि आपकी जो लीडिंग जो स्टैंड पर ये टूवर्ड फोर्क होती है, टूवर्ड फोर्क होती है यानी इसमें जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ऐसे। इसकी रीज़न क्या है, आपका डीएनए आपको मालूम है दोनों फ्रैगमेंट एंटी पैरेलल होता है, उस एंटी पैरेलल की करेक्टर को की वजह से इनके अंदर डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब आपको मालूम है बेटे लैगिंग स्ट्रैंड में जो रेप्लिकेशन होता है ये डिसकंटीन्यूअस होता है, इसमें डिसकंटीन्यूअस होता है जबकि इसमें जो है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, इसमें रेप्लिकेशन जो है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। अब कोई भी प्राइमोसोम क्या होता है कि आपका जो हेलिकेज और आपका जो प्राइमेज एंजाइम होते हैं दे वर्क इन अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका जो प्राइमोसोम है ये आपका क्या है बेटे, प्राइमोसोम जो है ये आपका प्राइमेज का, ये प्राइमेज और हेलिकेज, हेलिकेज का कॉम्प्लेक्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं आपका प्राइमोसोम। अब एक्सटेंशन में पहला लीडिंग स्ट्रैंड में कैसे होगा कि सबसे पहले प्राइमर अटैच होगा और ये आपका P3 आपका एंजाइम है, जैसे ही P3 आपका ये प्राइमर अटैच होगा आपका P3 यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, आपका जो P3 है ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद ये मूव करता रहेगा और जैसे जैसे ये मूव करेगा आपका P3 फ्रैगमेंट्स जो हैं ये आपके कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है, ये लाइक दैट और ऐसे आपका फ्रैगमेंट कंप्लीट होता रहेगा। तो ये डायरेक्शन ये कंटिन्यूसली मूव करेगा इस डायरेक्शन में और आपका फ्रैगमेंट जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा अंटिल द होल फ्रैगमेंट कंप्लीटेड। लेकिन आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर क्या होगा, प्राइमर अटैच होगा। अब प्राइमर अटैच होने के बाद आपका जो पॉलीमरेज 3 है ये आके अटैच हो जाएगा और ये ऐसे कंप्लीट कर लेगा। जब इसे कंप्लीट कर लेगा तो दूसरा प्राइमर जो है वो आपका अटैच हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये आपका 100 से 200 सीक्वेंस जो है यूकेरियोट्स में और आपके 1000 से 2000 सीक्वेंस किस में, प्रोकैरियोट में जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा और फिर इसको इसकी जो एक्टिविटी है वो इसको करेगा। देन इस आपके प्राइमर यहाँ अटैच होते रहेंगे एंड ये आपके आपकी जो है जो फ्रैगमेंट्स उसे कंप्लीट करता रहेगा एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस। अब जैसे ही ये आपकी एडिशन के बाद होता रहेगा तो ये इस दौरान प्रूफ रीडिंग भी करेगा, ये आपकी प्रूफ रीडिंग भी करेगा। जब ये एडिशन कर लेगा तो ये प्रूफ रीड भी कर रहा होगा कि जो भी कोई मिस्टेकनली या आपका गलत न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अटैच हो जाएगा तो ये उसको रिमूव करके न्यू फ्रैगमेंट्स ऐड कर सकता है। अब टर्मिनेशन के अंदर P1 क्या करता है, P1 क्या करेगा बेटे, ये आपका P1 इसे कन्वर्ट करेगा, आपका जो P1 है ये आपके RNA फ्रैगमेंट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, DNA न्यूक्लियोटाइड्स में। इसका काम क्या है कि ये आपके DNA न्यूक्लियोटाइड्स में इसको कन्वर्ट, ऐसे ही DNA न्यूक्लियोटाइड्स में ये कन्वर्ट करेगा तो आपका जो लाइगेज एंजाइम होता है
उसका काम क्या होगा, डीएनए लाइगेज जो होगा ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म्स कर देगा। आपका जो लाइगेज है वो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कर देगा, एंड दैट्स हाउ ये जो आपका फ्रैगमेंट है डीएनए फ्रैगमेंट्स ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड सूनर एंड लेटर व्हाट वी हैव, वे हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो दो डीएनए फ्रैगमेंट्स होगी, दो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे हमारे पास। एंड ये जो दोनों दो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, वी हैव टू डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये हमारे पास दो डीएनए फ्रैगमेंट होंगे और जिसमें एक जो है वो पेरेंटल होगा और एक न्यू होगा, एक पेरेंटल और एक न्यू होगा, एक यानी टैम्पलेट होगा और दूसरा नया होगा। दैट्स वाई हमने मेसलसन इंस्टॉल के अंदर भी पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस होगा इसे हम कहते हैं बेटा सेमी कंजर्वेटिव, इसमें एक जो होता है ड्यूप्लेक्स जो होता है वो पेरेंटल या टैम्पलेट एक्ट करता है और उसके जो अलॉन्ग न्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेवलप हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा, और अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।